नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। मेरे साथ फ्रेम में आपको अमित खन्ना दिख रहे हैं। अमित सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। उनके यहाँ सुबह के 6:30 बज रहे होंगे इस समय, है ना अमित? हाँ, पूरे 7 अरे 7 बज रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया है। और हमारे यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं। ये बातचीत इस समय है हो रही है अमित से। अमित अमित के बारे में बता दूं कि अमित मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और फ्लूडाइम नाम की एक कंपनी है, उसमें वहां काम करते हैं। कोविड को थोड़ा हम समझना चाहते हैं एक वैज्ञानिक नजरिए से। कोविड क्या है, वायरस क्या है, म्यूटेंट्स क्या है, डायग्नोसिस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायग्नोसिस की दिक्कतें क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और आखिर में सबसे बचने का उपाय वैक्सीन, उसका गणित क्या कहता है। बात करने के लिए शुक्रिया। मैं थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल कोरोना वायरस पे, और जानना मुझे ये है, ये वायरस, मतलब सारे बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन ये वायरस इतना रैपिडली म्यूटेट क्यों कर रहा है, क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है या मिस इन्फॉर्मेशन है। कोरोना नया नहीं है, कोरोना हैज बीन अराउंड फॉर एवर। तो अगर आप देखें, ये कोरोना एक फैमिली है वायरसेस की। अब पिछली जो आपकी वेब चैट्स हुई हैं डिफरेंट एक्सपर्ट से, आप लोगों ने वेरिएंट्स के बारे में बात की है, म्यूटेशंस के बारे में बात की है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के बारे में की है या इंटरेस्ट के बारे में की है। प्रॉब्लम ये है कि जो वायरस है वो ह्यूमन मशीनरी, मतलब जो होस्ट है जिसने जाके इन्फेक्ट करता है उसको यूज करता है, तो रेप्लिकेशन के लिए उसकी मशीनरी यूज करता है। हम लोगों में दो तरह की म्यूटेशन होती हैं इंसानों में, सोमैटिक और जर्म लाइन कहते हैं। तो कुछ होती हैं जो स्पॉन्टेनियस है, जो आप ओवर द लाइफ टाइम आप एक्वायर करते हैं और कैंसर वगैरह होता है, राइट? वो एक म्यूटेशन का है। कुछ होती हैं जो बाय बर्थ रहती हैं, पर वायरस के पास ऐसा कोई लिबर्टी नहीं है। वायरस के पास जो भी वो आरएनए वायरस है उसने रेप्लीकेट करना है, उसमें प्रोपोगेट अपने आप को करना है हमारी मशीनरी यूज करके, और उसमें वो वेरियंट्स एक्वायर करता रहे। म्यूटेशंस हर वक्त हो रहे हैं क्योंकि उसमें प्रूफ रीडिंग नहीं है, वो करेक्ट नहीं कर पाता। और सिलेक्शन उन म्यूटेशंस की होती है, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि ज्यादा उस वायरस को प्रोपगेट कर पाएंगे। अब इसमें दो कारण हैं। जो आपका पॉइंटेड क्वेश्चन है वो ये कि इतना ज्यादा क्यों प्रोपगेट हो रहा है। दो दो उसके दो हैं। एक है जो होस्ट फैक्टर्स हैं, हमारी इम्यूनिटी नहीं है उन वायरसेस के लिए, उस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए या इस कोरोना कोविड-19 के लिए जो 2019 में आया है। प्रॉब्लम उसकी वजह से एम्पलीफाइड है, ये कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं इसके। एक तो म्यूटेशन, एक होस्ट हम लोग तैयार नहीं है, ऊपर से वहां म्यूटेशन ओवर द टाइम एक्वायर हो रही है। दिक्कत तब हो जाती है कि ये म्यूटेशन, जैसे एक स्ट्रेन है उसमें एक म्यूटेशन है, दूसरा स्ट्रेन है उसमें दूसरी है। जब ये दोनों म्यूटेशन किसी एक स्ट्रेन में आ जाती हैं तब इसको डबल या ट्रिपल म्यूटेंट कहते हैं, और वो उसका वायरस का सिर्फ एक काम है कि वो प्रोपगेट करना चाहता है, जितना ज्यादा इन्फेक्टिविटी बढ़ा ले। लिथेलिटी उसका कंसर्न नहीं है। तो आप पिछले अगर हिस्टोरिकली वायरसेस को देखेंगे, फ्लू को देखेंगे, तो उसमें वो प्रोपगेट करते हैं बट लिथेलिटी इतनी नहीं है, मतलब वो इतना लिथल नहीं है इंसानों के लिए। पर इस केस में जब ये कॉम्बिनेशन आ जाता है, जब उसकी लिथेलिटी भी बढ़ जाती है और इन्फेक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लिथेलिटी पार्टली इसलिए बढ़ रही है कि हमारी इम्यूनिटी नहीं है, और उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है दैट इज अफेक्टिंग अस। जाहिर से बात है, म्यूटेशन इज अ नेसेसरी जेनेटिक इवेंट फॉर द ह्यूमन, मतलब इवोल्यूशन के लिए, लाइफ इवोल्यूशन के लिए, लाइफ फॉर्म्स की इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन एक बहुत जरूरी स्टेप है। और कोविड वायरस के म्यूटेशन पे अगर लौटते हैं, अभी इस समय हम जैसा देख रहे हैं अमित, आरटीपीसीआर टेस्ट्स आर कमिंग अ लॉट ऑफ फॉल्स नेगेटिव और मे बी एज अ फॉल्स पॉजिटिव। मतलब कहा जाता था कि साहब एंटीजन टेस्ट था, रैपिड एंटीजन टेस्ट था, वो फॉल्स नेगेटिव, वो फॉल्स पॉजिटिव है, उसको काउंट ही मत करो। कई सारे लोग तो ये कहते थे आरटीपीसीआर इज द फुल प्रूफ टेस्ट, बट पीपल आर गेटिंग आरटीपीसीआर डन एंड दे आर कमिंग नेगेटिव एंड दे आर स्टिल पोजिंग सिम्टम्स, एंड व्हेन दे गेट वर्स, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो अस्पताल में जाते हैं और फिर वो कोविड टेस्ट करवाते हैं, वहां पे उनका पॉजिटिव आ जाता है। चीजें अभी इस म्यूटेशन के चक्कर में
काफी ज्यादा आउट ऑफ हैंड, काफी ज्यादा समझदारी से बाहर दिखाई दे रही हैं। क्या इतनी समझदारी से बाहर है कि डीलिंग ही गलत हो रही है पूरी समस्या से? नहीं, इसमें तीन फैक्टर्स। अगर आप डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं तो आपने जैसे बोला कि एक एंटीजन टेस्टिंग है, एक आरटीपीसीआर है। आरटीपीसीआर उन्होंने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड है भैया, उसका तो वो गलत हो ही नहीं सकता। पर एंटीजन का, एंटीजन टेस्टिंग में ये होता है कि आपको बॉडी में कोई इन्फेक्शन आया और COVID-19 आया तो इसके एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनी और वो आपके सर्कुलेशन में है। अब प्रॉब्लम ये है कि एंटीबॉडीज में वो स्पेसिफिसिटी नहीं है कहीं डिटेक्शन में, आपको ये नहीं पता चलता है। कई बार वो COVID-19 की एंटीबॉडीज बोल देता है पर एंटीबॉडीज COVID-19 की शायद ना हो, तो वो एक रीड आउट में प्रॉब्लम है। वो एंटीजन का ये बहुत पहले से पता था, पर ये एक रैपिड टेस्ट है, एक जल्दी आपको बता देता है कि आपको हुआ था इन्फेक्शन कि नहीं हुआ था, तो ये बेसिकली आपको जल्दी ये बताता है। पीसीआर का ये है कि पीसीआर का एक, मैं एक 30 सेकंड लूंगा समझाने के लिए। हमारे पास तीन तरह के जेनेटिक मटीरियल हैं, एक आपका डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। अब डीएनए, ये जो COVID-19 है हम जानते हैं कि आरएनए वायरस है, तो आरएनए आपका ट्रांसक्राइब होता है डीएनए में और डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर मेथड से, जिसको पॉलीमरेज बेस्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका एम्पलीफिकेशन होगा उस पर्टिकुलर आरएनए का और उस सेगमेंट का, और 3-4 जीन्स होती हैं, N1 है, एक इनवेलप जीन है, कुछ प्रोटीन्स की हैं, वो वायरस स्पेसिफिक जीन्स है। अब इनका डिजाइन होता है, अब एक आपका आरएनए था उसका आपने डीएनए बना दिया, एक डबल स्टैंडर्ड है, अब उसके ऊपर प्राइमर्स लगेंगे, ठीक है, और वो एम्पलीफाई होंगे। अगर आपकी म्यूटेशन जब आप रीजन एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आ जाती हैं तो आपको फॉल्स नेगेटिव उसके आने की चांसेस है, क्योंकि वो एम्पलीफिकेशन होगा ही। ये तो है कि ऐसे डिजाइन का प्रॉब्लम, जो जो पीसीआर में ये ऐसे डिजाइन का प्रॉब्लम है, ये बहुत पहले नोन है। उन्होंने स्पेसिफिकली ये किया हुआ है कि डिजाइन ऑप्टिमाइज किए हुए हैं कि कौन सी जीन्स को, कौन से पार्ट ऑफ द जीन को एम्पलीफाई करना है। अब म्यूटेशन आ रही हैं उसकी वजह से वो रीड आउट में प्रॉब्लम। इससे एक और लेयर की प्रॉब्लम है कि सैंपल क्वालिटी। तो अभी जैसे 2-3 तरह के सैंपल्स हैं, एक है नेसोफेरिंजियल है, गले थ्रोट से लेते हैं, या नेजल स्वैब है, या सलाइवा है, ये तीन मेजर चल रहे हैं इस समय। और इन तीनों में अगर आपका डिग्रेडेशन हो जाता है कि अगर आपने सलाइवा, नेजल स्वैब है, टेक्नीशियन की गलती है, ह्यूमन एरर है, ये एंटीजन टेस्ट 50-50% मानते थे लोग, पीसीआर को लोग कहते हैं 60% से 80% तक एक्यूरेट है फॉल्स नेगेटिव, पर ये एक्यूरेसी गिर जाती है अगर सैंपल की हैंडलिंग ढंग से ना हो, या डिग्रेडेशन हो जाए, या ऑन द बेंच अगर आपका कोई, जब टेक्नीशियन काम कर रहा है क्योंकि वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी गलतियां आती हैं। तो एक तो ऐसे डिजाइन है, एक ह्यूमन एरर है, और एक जो आप सैंपल क्वालिटी होती है जब आप देने जाते हैं, अगर किसी ने विक्स ज्यादा लगा लिए नाक में जाने से पहले तो उसका सैंपल थोड़ा डिग्रेडेड आएगा, इसलिए वहाँ एक वो रहता है कि आपकी क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको यू हैव टू फॉलो दोस। तो अगर ये तीन जो चीजें अगर गलत जाती हैं, इनमें से कोई भी एक गलत या कॉम्बिनेशन कुछ गलत हो जाए, तो हमारे फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये प्राइमरी रीजन देखा गया है इस समय डायग्नोस्टिक्स में, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। और बाकी अब नए डिजाइन आ रहे हैं, और अगर आप जैसे, अगर आपको एज ए लेमैन अगर आपको देखना है कि अगर आपको पीसीआर टेस्ट कराने जाना है, तो आप ट्राई टू मेक श्योर कि पीसीआर टेस्ट में मल्टीपल जीन्स को एम्पलीफाई कर रहे हैं, जैसे एम जीन है, ई जीन है, ORF है, ये वायरस के स्पेसिफिक जीन्स हैं। अगर कोई टेस्ट कहता है सिर्फ हम एक जीन चेक कर रहे हैं, जो कि अभी नहीं है, एटलीस्ट दो तो टेस्ट कर ही रहे हैं जितने भी RT-PCR के हैं, अगर 3 वाला टेस्ट मिलता है जिसमें 3 जीन्स को चेक कर रहे हैं या 4 जीन्स को चेक कर रहे हैं, वो ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि उसमें यह है कि एक में म्यूटेशन होगी, दूसरी जीन में म्यूटेशन होगी, तीसरे या चौथे में तो आपको मिल ही जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा अवेलेबिलिटी की भी मैं समझता हूँ, इस समय टेस्टिंग की प्रॉब्लम इतनी नहीं है, जैसे वैक्सीनेशन भी, वैक्सीन भी अब कितनी सारी अप्रूव हो गई है, तो टेस्टिंग अब मोर एक्यूरेट हो रही है। बट जो मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रिपल और डबल म्यूटेंट, दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उसमें इनका वायरस का सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है। इंडिया में मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो 10 या 12 लैब्स हैं जो थॉरली कर रही हैं। अब बाहर के साथ कोलैबोरेशंस चल रहा है, दे आर ट्राइंग टू सीक्वेंस इट आउट, और वो जब तक सीक्वेंसिंग पूरी से नहीं होगी, हमें उसका टेस्टिंग उतनी एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत एम्फोसिस है इस समय
कि इनको जितने सैंपल्स मिल रहे हैं डिफरेंट एरियाज से, जैसे इंडिया में भी कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि कोई दूसरा स्ट्रेन है या पंजाब में दूसरा है, तो उनकी सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है. दैट विल लीड टू बेटर डायग्नोस्टिक्स और दैट इज व्हाट पीपल आर वर्किंग फॉर. तो ये तीन लेयर्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं डायग्नोस्टिक्स में, बट इवेंचुअली दिस विल गेट बेटर जैसे जैसे और डेटा आए. मैं इसको डायग्नोसिस से थोड़ा सा हटा के डिजीज प्रोपगेशन पे लेके जाना चाह रहा हूँ. कोविड की जो सेकेंड वेव इंडिया में है, हमारे यहाँ 300,000 से ज्यादा केसेस रोजाना आ रहे हैं, आने लगे हैं अब इंडिया में 3 लाख से ज्यादा केस. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. और ये कि आज का जो नंबर था, जो आज नंबर आया है, मतलब 22 अप्रैल को जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आया सबसे बड़ा कोविड नंबर, एक दिन का सबसे बड़ा कोविड जंप है. जानना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे प्रोपगेशन के बारे में बात करते हुए कि सेकेंड वेव में क्या ऐसी मुसीबतें हैं, क्या म्यूटेशन ही एक इवेंट है या इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा अपनी जगह से हिला हुआ है कि जिनको फर्स्ट वेव के दौरान इन्फेक्ट हो गए थे दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड एज वेल. क्या है कहानी? मतलब हमें समझना ये पड़ेगा कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया की जो एपिडेमियोलॉजी अगर आप देखें या जो आप उनकी एज पूरा हमारे वी आर यंग पॉपुलेशन राइट, या इंडिया इज मोस्टली कंपोज ऑफ यंग पीपल. तो हमें ये कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो दैट एक्चुअली फर्स्ट जो वेव थी हमारा इम्यून सिस्टम हेल्प, ये लॉकडाउन और जो लोगों ने प्रिकॉशंस ली उसने मदद की. और इम्पॉर्टेंटली ये था कि ये कोविड के इतने स्ट्रेन्स नहीं थे. पर एक और फैक्टर है जो आपने बड़े अच्छे से टच किया कि हमारी इम्यूनिटी क्या वीक हो गई है. हमारी इम्यूनिटी वीक नहीं हुई है. जिस तरह से हमारा वायरस और ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है उसकी इंटरेक्शन है वो चेंज कर गई है. हम लोग म्यूटेट नहीं हुए हैं, हम लोगों में कोई इम्यूनिटी पिछले एक साल में कम नहीं हुई है. प्रॉब्लम ये हुई है कि एक स्टडी है इटली की, उन्होंने दिखाया उसमें कि TLR एक रिसेप्टर होता है बेसिकली, आपका जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एक TLR है, और उसमें अगर म्यूटेशंस हैं तो ये कोविड जो 19 है विच इट इज इम्पैक्टिंग यंग पॉपुलेशन, जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें वो हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, जो पिछले साल हमने नहीं देखा था. पिछले साल हमने देखा था यंग पॉपुलेशन में जिनको हो भी रहा था वो एसिम्प्टोमेटिक थे. कोई कह देता था हाँ यार थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा स्मेल का पंगा हुआ, बट मुझे नहीं लगता मुझे कोविड हुआ. पर उन वो सब इन्फेक्ट हुए थे, वो एसिम्प्टोमेटिक में आ रहे थे, या लोगों ने इग्नोर किया या दे जस्ट डिडंट रिपोर्ट. अब ये प्रॉब्लम इस समय एम्पलीफाई इसलिए हो रही है कि जो केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गई, और वो इसलिए हो रहा है कि ये डबल और ट्रिपल म्यूटेंट किस तरह से ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. प्रॉब्लम इस समय ये है कि डिजीज ज्यादा प्रोपगेट कर रही है और हमारे पास जो साइंटिफिक डेटा है वो इतना नहीं आ रहा है, और वो आते आते आएगा, समझने में आएगा. बट प्रॉब्लम ये मोटा मोटी मतलब हाई लेवल पे ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं हमारी वो अगर कंपैटिबल हो जाती हैं वायरस के साथ, वायरस के लिए उसका प्रोपगेशन इन्फेक्शन और लेथलिटी बढ़ जाती है. और ये एक फैक्टर है जो कि दूसरी जगहों में जैसे इटली और यूरोप में और जैसे यूके के स्ट्रेन के साथ या साउथ अफ्रीका वाले स्ट्रेन के साथ लोगों ने देखा है कुछ पॉपुलेशन में, मे बी 200 300 500 पेशेंट्स के बीच में. इंडिया में ऐसी स्टडीज होनी अभी बाकी, और जब वो आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कैसे इसको प्रोपोगेट करवाए. तो ये सेकेंड या थर्ड वेव की प्रॉब्लम नहीं है, ये बार बार हो सकता है, और ये किसी के साथ भी होता है, ये फ्लू के साथ भी हो जाता है. कई बार कई फ्लू सीजन जैसे यूएस में फ्लू सीजन बहुत घातक से होते हैं, बहुत लीथल रहते हैं, कई माइल्ड रहते हैं. उसमें वायरस का तो है ही है, बट हमारी जो हमारी जेनेटिक कॉम्पोजिशन है दैट आल्सो प्लेस अ पार्ट. सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, जो कि पिछले साल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ICMR के जो फॉर्मर साइंटिस्ट थे डॉक्टर रमन गंगा खेडकर, उनके एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि इफ यू गेट इन्फेक्टेड अगेन, अगर आपको फिर से इन्फेक्शन होता है तो आप इवन इफ यू डोंट हैव एंटीबॉडी इन योर सिस्टम, एंटीबॉडी शरीर में नहीं है, तो भी आपके शरीर को पता है कि हाउ टू वॉश आउट दिस वायरस, बिकॉज आपके टी सेल की मेमोरी टी सेल्स जो हैं इम्यून सिस्टम की, वो जानती हैं इस वायरस के इन्फेक्शन को कैसे वॉश आउट करना है. बट लेकिन इस वेव में क्या वो बात लागू होती है
मैं ये थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। वही है जो वो उन्होंने जो वो बात कर रहे थे वो बहुत पर्टिनेंट है और बहुत सही है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है इट मेमोराइजेस। आप इसी तरह से वैक्सीन काम भी करती हैं, आपको बचपन में कुछ वैक्सीन मिलती है आपका इम्यून सिस्टम ट्रेन हो जाता है, और कुछ ऐसी हैं जो 50-60 साल के बाद आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन ओल्ड एज में आने लग जाते हैं क्योंकि आपकी वैक्सीनेशन का फर्क वो जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है। सो वो जो कह रहे हैं कि वॉश आउट करते हैं वो इट इज फाइन, पर अब जो हो रहा है ये हमें ये नहीं पता है कि ये री इन्फेक्शन हो रहे हैं या फर्स्ट वेव ही है कुछ लोगों के लिए। तो री इन्फेक्शन के साथ बॉडी ज्यादा तैयार रहेगी, बट अगेन मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हमारी क्या जेनेटिक कॉम्पोजिशन है और क्या वायरस की जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसका क्या मैच है, दैट इज अ डिफाइनिंग फैक्टर कि कितनी जल्दी हम लोग वी कैन गेट रिड ऑफ दिस फ्रॉम आवर सिस्टम, और वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस समय जो अभी वो जैसे बात भी कर रहे हैं कि डबल मास्क डालो, सिंगल मास्क नहीं डालो, डबल मास्क है क्या हो रहा है, तो वो वायरल लोड की बात कर रहे हैं कि अगर वायरस अगर आपके पास 5 कॉपीज में सिर्फ पुटिंग थ्रोइंग अ नंबर आउट, अगर 5 कॉपीज है वायरस की वो इन्फेक्शन करती थी, तो अब अगर 2 कॉपी से ही इन्फेक्शन होने लगा है तो आप 2 मास्क डालोगे तो उतना वायरल लोड नहीं आएगा। तो ये जिस तरह से उसके म्यूटेशन का, जैसे ये मास्क एक फिजिकल बैरियर है, इम्यून सिस्टम हमारा इंटरनल बैरियर है, उसमें भी कितना वो ट्रेन होता है, कितनी और कोमोबिडिटीज और बाकी क्या, जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी है जो डायबिटीज और डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंशन में है, वो अगर आपका पहले ही आपकी बॉडी किसी प्रॉब्लम के साथ जंग में है तो अगर आप एक और जंग डाल दोगे उस पर तो 2 वॉर्स फाइट करेगा ना, तो उसका आपका उतना ही गार्ड लोअर है, उतना ही आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक और फैक्टर है। तो डाइट भी इसी तरह से कहते हैं ना कि विटामिन सी लो, स्टीम करो, स्टीम सिम्टोमेटिक है, वो आपको बेसिकली सूट करेगा, बट इट्स नॉट गोना किल द वायरस, राइट, बट विटामिन सी आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। इट्स अ मल्टी प्रोन एफर्ट। सो सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम या मेमोरी सिस्टम वॉश आउट कर सके ये प्रॉब्लम, ये पॉसिबल नहीं है, इसकी मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है और वो हम लोगों को दिख रही है। हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या है, हमारा प्रिकॉशंस का लेवल क्या है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन हमारी क्या है, वायरस की क्या है, वो सारे फैक्टर्स जो मिक्स में है ना, दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। अभी ये सवाल ये उठता है कि जो वैक्सीन्स हैं इस समय, बहुत सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं मार्केट में, इंडिया में 2 हैं, एक ऑक्सफोर्ड वाली है, एस्ट्राजेनेका वाली है, एक भारत बायोटेक की है, वी आर गेटिंग थर्ड वन स्पुतनिक 5 एंड फाइजर है, मॉडर्ना है, क्या मतलब कोई इनएक्टिव वायरस से बनी है, कोई इनएक्टिव कवरिंग से बनी है, सम आर यूजिंग एमआरएनए, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव, ये बड़ा सवाल उठता है लोगों के मन में, क्या है कहानी? देखिए सब चीजों में सारी वैक्सीन एक ही काम कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रही है और उसको कह रही है कि भैया तैयार हो जाओ वायरस आने वाला, ठीक है। तो एमआरएनए जो है वो आपकी बॉडी, एमआरएनए का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग बहुत डर रहे हैं कि एमआरएनए वैक्सीन ले रहे हैं हमारी बाजू दर्द हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं। mRNA बेसिकली जो RNA है वो बहुत डेलिकेट मटेरियल, तो उसकी आपको इनकैप्सुलेशन करनी पड़ती है कि डिलीवरी के टाइम तक, इसलिए उसको पहले फ्रोजन रखा जाता है। जब आपके मसल डाली जाती है बाजू में तो वो कुछ PEG या कुछ और सॉल्वेंट्स होते हैं, उनकी वजह से लोगों को रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसका इफेक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं, बेसिकली मेथड ये है कि आपका वायरस जो है वो एटेन्यूएटेड है, बेसिकली वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, पर वो प्रोटीन आता है तो वो कैप्चर होता है आपके इम्यून सेल से और वो कहता है कि भैया एंटीबॉडीज बनानी शुरू करो, वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। mRNA क्या है, वो mRNA आपके सेल में जाता है, वो सिर्फ एक वो प्रोटीन बनाता है जो जरूरी है। इनकी इफेक्टिविटी देखिए, कोई भी एक वैक्सीन बनने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, साल लग जाते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल लगते हैं, हमारे पास टाइम नहीं था इस बारे में। इसलिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं, अब इंडिया में भी बहुत हुआ था कि क्लिनिकल ट्रायल्स एकदम आपने बिना थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स किए मार्केट में डाल दिया, हमारे पास टाइम नहीं था। और अब वो क्लिनिकल जो सैंपल साइज होता है वो हजारों में होना चाहिए, लाखों में होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि इसकी इफेक्टिविटी कितनी है। तो इस समय ये कहना कि एक चीज 80% या 90% इफेक्टिव हो जाएगी, नंबर डालना बहुत मुश्किल है, पर ये सब मानते हैं। अब जो देखने वाली बात यह है, जो मोर पर्टिनेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भैया कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो आपको मल्टीपल स्ट्रेन से बचा सके। जॉनसन एंड जॉनसन का एक शॉट वाला आया था, वो कहते हैं कि उससे बचा सकते हैं, वो उसमें कई कुछ डेटा है। उसका रीजन ये है कि वो जो टेस्टिंग साइट्स थी उसकी, साउथ अफ्रीका भी थी, यूके भी थी, यूरोप भी थी, यूएस भी थी, अब वो इंडिया में भी करने की सोच रहा है, तो उनका क्योंकि पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड था तो वो कॉन्फिडेंट है कि उसको स्ट्रेन से बचा सकता है। बट इस समय
क्लेम कर सकते हो कि एक वैक्सीन 80% है, 60% है, बट यू नीड टू लुक इनटू द डिटेल्स। ग्रैनुलर जब जाओगे तो आपको समझ आएगा कितना पॉपुलेशन साइज पे चेक हुआ। आइडिया ये है कि फ्लू की जो वैक्सीन है, या सॉरी कोविड-19 की जो वैक्सीन है, वो फ्लू वाले मेथड पे ही चल रही है कहीं तो, जैसे एटेन्यूएटेड वायरस को आपने बेसिकली नाकाम करके डाल रहे हो, और उसी तरह से आपका mRNA वाला है। पर इनकी इफेक्टिविटी है किसी लेवल पे, कितनी है कैसे है वो नहीं पता। और ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना कम स्पैन में कोविड-19 हुआ है अभी तक, ये भी नहीं पता है कि कितनी देर इफेक्टिव है। कि आपको जैसे फ्लू की वैक्सीन हर साल लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके स्ट्रेन डिफरेंट आते हैं, वो रीजन होते हैं जब उसमें आते हैं, दिसंबर तक आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए, नहीं तो अगला आप फ्लू सीजन में मार खाते। इसी तरह से कोविड का नहीं पता कितनी जल्दी वैक्सीन आपकी जरूरत पड़ेगी नई वाली, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये कहना बड़ा एक मिस इन्फॉर्मेशन होगा, बहुत इरेस्पॉन्सिबल होगा किसी के लिए भी ये कहना कि ये वाली ही बेस्ट है या ये वाली ही बुरी है। पर हाँ, कईयों के लिए कुछ, कईयों को फाइजर से रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे वो क्लॉटिंग का प्रॉब्लम आया जॉनसन जॉनसन के, इतने लाखों लोगों में हुआ, कुछ पॉपुलेशन में आया। अब ये इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि उनकी कोई और कोई अंडरलाइन कंडीशंस थी जो एग्रीवेट हो गई। अब ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल आदमी जाएगा और लगवाएगा उसके ब्लड क्लॉटिंग आने लग जाएगी, पर देयर इज अ रिस्क, क्योंकि डेटा नहीं है और ये हम ह्यूमन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। इट हैज, देयर इज अ रिस्क टेकिंग फैक्टर, और वो जो रिस्क है वो इट इज देयर। पर अब चक्कर ये है कि आप एक कोविड-19 का रिस्क है और आपका वैक्सीनेशन का रिस्क है, यू नीड टू पिक, राइट? तो वहां दिक्कत आ रही। यानी वैक्सीन सारी अच्छी है, वैक्सीन में कहीं गड़बड़ी नहीं है, वैक्सीन जो लग रही है वो लगवाइए, जितने शॉट लग रहे हैं उतने शॉट लगवाइए और जरूर लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन इज वन थिंग, उसके बाद आपकी प्रिकॉशंस, जैसे आप हर बार बोलते हैं कि प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है, जहां तक हो सके आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। ये सारे फैक्टर्स हम लोगों को एक्चुअली दे प्रोटेक्ट, और यहाँ यूएस में भी यही है, कहीं भी चले जाओ इसी तरह से वेव्स का, जैसे पिछले साल यूएस में बहुत बुरा, और इस समय वी आर ऑन अ डिक्लाइन है, यहाँ सब कुछ खुल रहा है, कैलिफोर्निया में देयर 15 जून से सब नॉर्मल हो रहा है, मास्क और पीपीई और वो सारे प्रिकॉशंस स्टिल मैंडेटेड हैं। हम लोगों को कंपनीज ऑन साइट वैक्सीनेशन कर रही हैं, टेस्टिंग, जैसे स्कूल है, स्टैनफर्ड है या कोई भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ ऑन साइट टेस्टिंग है एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, अगर आप 2 से 3 बार जा रहे हो। एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज, गूगल, एप्पल, एमजेन जो बायोटेक्नोलॉजी की हैं, वो लोग आपको, अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो वो आपको टेस्ट किट्स हर हफ्ते भेज रहे हैं घर पे कि जस्ट स्टिल गेट टेस्टेड। तो ये टेस्टिंग और वैक्सीनेशन एंड प्रिकॉशंस, दीज आर द 3 थिंग्स। सर्वेलेंस बहुत जरूरी है, नेक्स्ट फेज जो है सर्वेलेंस का आने वाला है। इंडिया में इस समय वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर इन टर्म्स ऑफ की हमारे इन्फेक्शन चल रहे हैं, तो उसके म्यूटेशंस की पूरी जीनोमिक सीक्वेंसिंग, वो सारा जो जीनोमिक आरएनए है उसको जब तक हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, स्ट्रैटेजीज फॉर वैक्सीनेशन, डायग्नोस्टिक्स, एवरीथिंग गेट्स इंपैक्टेड। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, एंड आई अंडरस्टैंड, बट पीपल हैव टू टेक पीसेस एंड ट्राई टू एड्रेस दैट। तो ये थे अमित खन्ना हमारे कुछ बहुत साधारण से सवालों का जवाब देते हुए। अमित खन्ना से मौका लगेगा तो हम आगे फिर से बात करेंगे, कभी अमित समय दे दीजिएगा यार फिर से, और थोड़ा जानकारी, थोड़ा ज्ञान दीजिएगा। और आप लल्लन टॉप देख रहे थे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप सब लोग। शुक्रिया, थैंक यू।